नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आने वाली श्री कृष्ण छठी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। बाल गोपाल कृष्ण के जन्म यानी जन्माष्टमी के छठे दिन लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाती है। इस दिन घरों में बाल गोपाल को विधिवत स्नान पूजा कराकर काजल लगाया जाता है ताकि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे और किसी की नज़र ना लगे। हर घर में अपने बच्चे के जन्म की तरह ही लड्डू गोपाल का जन्म छठी और छः माह बाद अन्नप्राशन किया जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के छठे दिन छठी मनाने का विधान है। जैसे हम अपने बच्चों के लिए छठी मनाते हैं, वैसे ही कृष्ण की भी छठी मनाई जाती है। इस दिन लोग लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं और कान्हा के नामकरण संस्कार को पूरा करते हैं। कान्हा की छठी भी जन्माष्टमी के छठे दिन ही मनाई जाती है। इस दिन लोग घरों में कढ़ी चावल बनाकर भोग लगाते हैं और खाते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद षष्ठी देवी की पूजा का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार षष्ठी देवी की कृपा से राजा प्रियव्रत का मृत पुत्र दोबारा जीवित हो गया था। पुराणों में षष्ठी देवी को बच्चों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। कहते हैं कि इनकी पूजा करने से नवजात शिशु पर कोई आँच नहीं आती। दोस्तों कृष्ण जी की छठी की पूजा विधि इस प्रकार है। जिस दिन कान्हा की छठी मनाई जाती है उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। कृष्ण का पसंदीदा पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है। स्नान कराते समय लड्डू गोपाल के मुख के तरफ से स्नान कराएं। ध्यान रहे पीठ की तरफ से स्नान नहीं कराना चाहिए। फिर शंख में गंगा जल भरकर लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। उसके बाद भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर श्रृंगार किया जाता है। काजल का टीका लगाया जाता है। फिर लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। कृष्ण के नामों में से कोई एक नाम से नामकरण किया जाता है। इसके बाद कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है और हलवा पूरी का भी भोग लगाया जाता है और प्रसाद स्वरूप इस भोग को खाया जाता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में धन धान के भंडार भरे रहते हैं। दोस्तों इस साल कृष्ण की छठी 24 अगस्त 2022 को मनाई जाएगी। कहते हैं हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का बहुत महत्व है। 16 संस्कारों की शुरुआत गर्भ से शुरू हो जाता है। फिर जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार पूरे किए जाते हैं। ये संस्कार मनुष्य और देव दोनों के लिए होता है। दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण का जन्म मामा कंस के कारागार में हुआ था और उन्हें वासुदेव ने उन्हें काली अध्यारी रात में नंद और यशोदा के घर छोड़ दिया था। कंस को जब इसकी जानकारी हुई तो राक्षसी पूतना को कान्हा को मारने के लिए आदेश दिया था। गोकुल में जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उन्हें मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने 6 दिन में ही पूतना का वध कर दिया था। उसके बाद माँ यशोदा ने कान्हा की छठी मनाई थी। दोस्तों कृष्ण छठी के दिन आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इस दिन सुबह से शाम तक भजन कीर्तन करें, झूठ ना बोलें और कोई अपराध ना करें। ईर्ष्या द्वेष से खुद को दूर रखें। दूसरों को भोजन कराएं और गौ सेवा करें। जन सरोकार के लिए सुख सुविधाओं के त्याग की भावना मन में रखें। इस दिन घर में बांसुरी जरूर लेकर के आएं। लड्डू गोपाल की छठी के दिन कुटुंब जनों को प्रसाद वितरण करें। मांस मदरा के सेवन से दूर रहें और दुष्टजनों का त्याग करें। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा का संकल्प लें। घर पर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ ना जाने दें। दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।